नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। और आज हम बात करने वाला हूं कि चंडीगढ़ में स्थित होटल सबसे सस्ता सस्ता कितने तक का है, यानी चंडीगढ़ में होटल के प्राइस में बताने वाला हूं आपको कि सबसे सस्ता सस्ता कैसे होटल बुक कर सकते हैं। एक लोग हैं तो कितने तक का आपको होटल मिल सकता है, अगर दो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए चंडीगढ़ तब कितने तक का होटल मिल जाता है सबसे सस्ता सस्ता, तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ कि चंडीगढ़ पंजाब में पड़ता है, जो कि काफ़ी अच्छा शहर माना जाता है। और चंडीगढ़ की खासियत तो आप लोग जानते ही होंगे, कितना अच्छे अच्छे वहाँ पर लोकेशंस हैं घूमने के लिए। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सबसे सस्ता सस्ता होटल कितने तक का बुक कर सकते हैं चंडीगढ़ में, एक लोग के लिए दो लोग के लिए कितने तक का होटल मिल जाता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, नए मेहमान तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलते हैं, यहाँ पर जो मैं होटल बुक करने वाला हूँ, ऑनलाइन होटल बुक करके आपको दिखाने वाला हूँ। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि होटल तो आप बुक कर रहे हैं लेकिन सेफ एंड सिक्योर भी होना आज की डेट में बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर जो मैं वेबसाइट लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ ओयो, जो कि काफ़ी अच्छा सेफ और सिक्योर माना जाता है। ओयो होटल्स नाम तो सुने होंगे आप। तो यहां पर हम जो वेबसाइट यूज करने वाला हूं वो तो है oyorooms.com। और जैसे इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाते हैं जहां पर आप होटल्स बुक कर सकते हो। होटल के साथ साथ आप सभी फ़ोटो देखें, रिव्यू देखें। आज के डेट में आप कहीं भी होटल बुक कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 3.8 के ऊपर की रेटिंग होनी चाहिए। अगर 3.8 के ऊपर की रेटिंग नहीं है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं होटल की सर्विस अच्छी नहीं है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, ये होटल का इंटरफेस है। यहाँ पर देखो सर्च बार है, यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर रूम और गेस्ट हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सीधे हमें सर्च करना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जैसे ही हम सर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शंस की मैं बात करूँ, वो लोकेशन आपको दिखाया जाता है जो उसके अगल बगल जो काफ़ी फेमस होता है। तो चंडीगढ़ यहाँ पर जैसे ही डालोगे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे जो चंडीगढ़ पंजाब इंडिया, ये है कुछ सेक्टर 17 चंडीगढ़, सेक्टर 22 चंडीगढ़। ये मतलब आपको जिस लोकेशन में बुक करना है वो उस लोकेशन पर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चंडीगढ़ पंजाब इंडिया पर क्लिक करते हैं और उसके बाद डेट सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने का मतलब कि आप कब बुक करना चाहते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ 1 अप्रैल को हम बुक कर रहे हैं और 2 अप्रैल को हम चेकआउट कर रहे हैं, मतलब कि एक रात हम रुकते हैं। और यहाँ पर पहले हम आपको एक लोग के लिए दिखाएंगे कि सबसे सस्ता सस्ता होटल कितने का है, फिर उसके बाद मैं दो लोग को लिए दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो सर्च बार है इसको सीधे क्लिक कर देना। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ कि आपके ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ अमेजोन का लिंक दे दूंगा, वो ट्रेवल संबंधित कुछ प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया हूँ, मतलब उस पर मैं दिखा रहा हूँ। आप उसको अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेवल में बहुत मतलब जो आप ट्रेवल करते हैं वो काफ़ी अच्छा ट्रेवल हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको ट्रेवल में काम देता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ चंडीगढ़ में 202 होटल हैं ओयो के और ये चंडीगढ़ पंजाब लोकेशन है हमारा। और यहाँ पर देखो मैप से भी आप बुक कर सकते हो और ये सॉर्ट बाय पॉपुलरिटी पे लगा। अभी ये जो जितने भी होटल दिखाए जाएंगे वो पॉपुलर होटल दिखाए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा बुकिंग होती है या फिर अच्छा माना जाता है ओयो की तरफ से। अब ये होटल का नाम है, ये होटल का एड्रेस है। अभी हम सस्ता होटल दिखाने वाले हैं, वेट करना थोड़ा सा। ये देखो 5 की रेटिंग, मैंने बोला था शुरुआत में है कि 3.8 की रेटिंग होनी चाहिए और कोरोना का दौर चल रहा है, 2021 चल रही है, तो मास्क सैनिटाइजर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो 5 की रेटिंग है, 10 लोग रेटिंग किए हैं और ये अच्छी कैटेगरी में आता है। और ये इसका जो रेट है 2143 रुपये है। नीचे आते हैं, ये भी देखो, ये होटल का नाम है, होटल का एड्रेस, 5 रेटिंग, 12 लोग रेटिंग किए हैं, फेबुलस कैटेगरी में आता है 1544 रुपये में। ये देखो न्यू है, न्यू का मतलब अभी भी लिस्ट हुआ, तो इसको हम अभी नहीं बुक करेंगे। लेकिन नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो ये होटल का नाम है, होटल का एड्रेस, ये 4.6 की रेटिंग है, 433 लोग रेटिंग किए, एक्सीलेंट कैटेगरी में आती है और 1239 रुपये का है ये होटल, एक रात एक लोगों के लिए। नीचे आते हैं, ये होटल का नाम है, होटल का एड्रेस 3.6 की रेटिंग है, 278 लोग रेटिंग किए, गुड कंडीशन में आता है, 811 रुपये। लेकिन यहाँ पर रेटिंग थोड़ा सा कम है, देख लेना अपने प्राइस के हिसाब से, प्राइस भी कम है। तो इस हिसाब से और भी आओगे तो देखो 682 रुपये का है, 4.2 की रेटिंग है, 21 लोग रेटिंग है, वेरी गुड कंडीशन में आता है। तो इस हिसाब से ये भी सही है, वेरी गुड मतलब कि 4.2 की रेटिंग अच्छी है। तो इस हिसाब से आप होटल तो देख सकते हो, लेकिन अभी हमें सबसे सस्ता से सस्ता होटल बुक करना है। तो जैसे ही इस वेबसाइट में आते हो, यहाँ पर पॉपुलरिटी सॉर्ट बाय, जो पॉपुलरिटी उसको क्लिक करने के बाद लो टू हाई करना है, ठीक है। अब आपको वो होटल दिखाया जाएगा जो सबसे सस्ते होंगे
होंगे, अच्छे होंगे, रेटिंग पे ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो, एक रात रुकने के लिए जो आपको होटल दिखाया जाता है, ये देखो होटल का नाम है, होटल का एड्रेस, 4.2 की रेटिंग है, 21 लोग रेटिंग की है, वेरी गुड कंडीशन में आता है, 682 रुपये से स्टार्ट है, 682 रुपये से स्टार्ट है। तो आप इससे भी सस्ता करने के लिए, मेरी जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ओयो का कुछ कोड दे दूंगा या फिर लिंक दे दूंगा, अगर उससे जाते हो तो ये जो 682 रुपये का होटल है आपको पड़ता है, ये और भी कम हो जाता है। देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स नहीं कि मैं 682 आज बता रहा हूँ तो 682 भी हो, ये और भी नीचे आ सकता है और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो होटल का नाम है, दूसरा होटल देखें, ये होटल का नाम है, होटल का एड्रेस, और ये 4 की रेटिंग है, 95 लोग रेटिंग की है, वेरी गुड कंडीशन में आता है, 757 रुपये का होटल है ये। उसके नीचे आओगे तो ये होटल का नाम है, होटल का एड्रेस, ये 3.6 की रेटिंग है, 811 रुपये में आता है। नीचे आओ, ये देखो 851 रुपये में है, ये भी न्यू है। ये देखो 902 रुपये में है, ये भी न्यू है। ये देखो 4.1 की रेटिंग है, वेरी गुड कंडीशन में आता है, 926 रुपये। यानी कहने का मतलब सिंपल सा, अगर एक लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए तो आपको 682 रुपये में होटल मिल जाता है, लेकिन मेरा जो डिस्क्रिप्शन में कोड है या लिंक यूज़ करते हैं तो ये और भी कम हो जाएगा, 400-500 के आसपास में आ जाएगा, मतलब 30-40% छूट हो जाता है इसमें। तो ये तो हो गया एक लोग के लिए, एक लोग के हो गया कि 600-700 से आपका होटल स्टार्ट है, लेकिन हमको दो लोग अगर जा रहे हैं घूमने के लिए तब कितने का पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखो ऊपर आपको दिखाया जाएगा एक रूम, दो एक गेस्ट, तो यहाँ पर दो गेस्ट कर देना। दो गेस्ट करने के बाद यहाँ पर सीधे सर्च कर सकते हैं, जैसे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है, मतलब अब वो होटल दिखा जाएंगे दो लोग के लिए कितने तक का है, सबसे सस्ता सस्ता। अब यहाँ पर देखो ये होटल का नाम, होटल का एड्रेस, 4.2 की रेटिंग वही है सेम, आपको बढ़ा कितना, मात्र 100 रुपये बढ़े, यानी कि 784 रुपये में स्टार्ट है, यानी कि दो लोग अगर जा रहे हैं, मियाँ बीवी जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 800 रुपये से आपका होटल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये देखो 871 रुपये में, 4 की रेटिंग है, 95 लोग रेटिंग किए हैं, ये देखो 934 रुपये में, नीचे आगे 979 रुपये में, 1029 रुपये में, 1029 रुपये में, 1029 रुपये में, कहने का मतलब सिंपल से मान लो कि 800 रुपये के आसपास में आपका दो लोग के लिए है, और 700-600 के आसपास में एक लोग के लिए अगर कोड यूज़ करते हैं तो 20-30% 40% और भी छूट हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आप आ गए, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत ध्यान देना, आपको पहले रिव्यू रेटिंग सब चीज़ें देख लेना। अब देखो 4.2 की रेटिंग है तो यहाँ पर सीधे हमें बुक नहीं करना है, यहाँ पर व्यू डिटेल देखेंगे, पहले हमें सब डिटेल देखनी है फिर उसके बाद होटल बुक करनी है। अब यहाँ पर देखो व्यू डिटेल देख लिए, अब यहाँ पर व्यू डिटेल में क्या करना है, आपको फोटो वोटो देख लेना होटल का, कैसा है, कैसा रूम है, क्या है, कैसा, सब चीज़ें देखने के बाद आपको ही आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ आपको बताया जाएगा डिस्कशन में, जो भी चीज़ें उसको देख लो, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको मिलती वो चीज़ें दिखाई जाएंगी, इधर पैसे आपको दिखाए जाएंगे, क्या किस किस ऑफर से छूट मिला है, और यहाँ पर देखो AC चाहिए कि नॉन AC चाहिए, इसमें भी आपको बताया क्या है, और यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी चीज़ें ऐड करना वो ऐड कर सकते हो, उसके बाद रेटिंग्स दिखाया जाएगा, और यहाँ पर चेकिंग है 12 बजे 11 बजे चेकआउट है, उसके बाद कुछ लोकेशंस आपको दिखाए जाएंगे जो जी मतलब कि जो चंडीगढ़ में अच्छे अच्छे हैं फेमस, मतलब जो जिस होटल के आसपास में हैं, कितना दूरी है, सब चीज़ें दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पेमेंट दिखाने के बाद कंटिन्यू टू बुक पे करो, उसके बाद अगर आप साइन अप पहले से किए होंगे तो ऑटोमेटिक सब ले लेगा आपका, नहीं तो फिर यहाँ पर नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड मतलब पेमेंट, आगे नेक्स्ट पेमेंट करो, चाहे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी थ्रू से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप होटल बुक कर सकते हैं। ये देखो एक रूम दो लोग के लिए आपका आएगा 784 रुपये, अगर एक लोग हैं तो करीब 600 के आसपास में आ जाएगा, कोड यूज़ करते हो तो ये कम से कम आ जाएगा, ये जो 784 का है तो ये 600 के आसपास में या फिर 500 के आसपास में आ जाएगा, एक लोग हैं तो उनके लिए 400-500 के आसपास में वो भी आ सकता है। तो इस हिसाब से होटल आप देख लिए, प्राइस कैसे कैसे बुक करना है, कैसे कैसे सिंपल सा है। तो बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, नए मेहमान तो चलो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।